स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग दो के अंतर्गत जो पाठ दिए हुए हैं उन पाठों के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर अनुवाद हैं पद्यांश हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि ये दिया हुआ है पाठ 10 मेरा छोटा मेरा के और दोनों के कम, ये है उमा शंकर जोशी। हम इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। जीवन परिचय गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर उमाशंकर जोशी जी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। 20वीं सदी में इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहांत 1988 में हुआ। प्रमुख रचनाएं उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने एकांकी, निबंध, उपन्यास, कहानी, संपादन, अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलता पूर्वक चलाई। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है: एकांकी, विश्व शांति, गंगोत्री, निषेध, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि। कहानी सपना भारा शहीद, उपन्यास श्रावणी मेणी, दिशामु। निबंध है पार कांजव्या, संपादन गोष्ठी, उघाड़ी बाड़ी, क्लांत कवि और महाराज साने, स्वप्न प्रायण तथा संस्कृति पत्रिका का संपादन। और अनुवाद है अभिज्ञान सागरतलम, उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद। शैली है उमा शंकर जोशी ने गुजराती कविता को नया स्वर नई भंगिमा प्रदान की। उन्होंने जीवन के सामान्य प्रसंगों पर आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी। इनका साहित्य की विधाओं में योगदान बहुमूल्य है। हालांकि निबंधकार के रूप में ये गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं। भाषा शैली जोशी जी की काव्य भाषा सरल है। इन्होंने मानवतावाद, सौंदर्य व प्रकृति के चित्रण पर अपनी कलम चलाई। इन्होंने कविता के माध्यम से शब्द चित्र प्रस्तुत किए। फिर है भाव सारांश। जो पढ़ने वाले हैं ये है छोटा मेरा खेत और वनों के पंख। दोनों रचनाओं के रचयिता उमा शंकर जोशी हैं। संकलित दोनों रचनाओं में से प्रथम रचना छोटा मेरा खेत उमा शंकर जोशी के काव्य संग्रह निश्चित से उद्धृत है। मूल रूप से मैं गुजराती भाषा में लिखी इस कविता का हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कवि कर्म को और कृषि कर्म के समान बताया है। द्वितीय रचना वर्णों के पंख में भी उमा शंकर जोशी काव्य संग्रह में संकेत है तथा इस कविता का गुजराती से हिंदी में रूपांतरण भोला भाई पटेल ने किया। यह कविता प्रकृति सौंदर्य पर आधारित है और काव्य रसिकों के सामने एक सुंदर दृश्य बिंब को उकेरती है। छोटा मेरा खेत। 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध गुजराती कवि उमा शंकर जोशी की प्रबल लेखनी से लिखित इस कविता में कवि ने कविता लेखन को किसान के कृषि कार्य के समान बताया है। कवि को चौकोर कागज का पन्ना किसान के खेत के समान लगता है। जिस प्रकार आंधी के साथ उड़कर आया कोई बीज खेत में स्वयं स्थापित हो जाता है, उसी प्रकार भावनाओं के आवेग में कवि के हृदय में किसी विचार के बीज का रोपण होता है और विचार व्यक्ति का यह बीज कल्पना रूपी खाद में मिलने पर स्वयं को विगलित हो जाता है किन्तु उनसे शब्दों के नवांकुर फूटने लगते हैं। अंकुर बड़ा होकर पौधा अगर अनंत फूल पत्ते फल युक्त संपूर्ण रचना में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कवि के हृदय में पल्लवित परिष्कृत साहित्यिक कृति से पाठकों रसकों काव्य प्रेमियों के लिए जो आनंद की रसधार होती है वह वास्तव में एक क्षण का सुखद परिणाम होती है जबकि विचार रूपी बीज की रूपाई हुई है। काव्य आवृत्ति इस फल को अनंत काल का असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा सुना जाता है तब भी यह कम अथवा समाप्त नहीं होती। खेत में उपजा अन्न तो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाता है किंतु साहित्य रस कभी भी समाप्त नहीं होता, यह तो अक्षर होता है। बगलों के पंख। संकलित द्वितीय कविता बगलों के पंख में गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि उमा शंकर जोशी ने चित्रात्मक शैली में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का सजीव वर्णन किया। कवि काले पादों
काने काने बातों वाली पृष्ठभूमि पंक्ति। संध्या का समय है, ये उड़ते हुए परंदे कवि को कजरारे बादलों के ऊपर तैरती संध्या की श्वेत काया के सदृश प्रतीत होते हैं। अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह दृश्य अपने जादू से कवि की को पूरी तरह बांध लेते हैं। कवि को कवि सब कुछ भूलकर इस दृश्य बिंब के प्रभाव से सम्मोहित हो जाता है। लगता है कि श्वेत बगलों की पंक्तियां उसकी आंखों के दृश्यत्व को चुराए ले जा रही है। वह इस माया सम्मोहन से स्वयं को बचाने का आग्रह करता है। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, छड़का बीज वहां बो गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। शब्दा चौकोना ने चार कोने वाला, चौकस चौकोर, पन्ना यानी पृष्ठ, अंधड़ आंधी क्षण पल रसायन खाद यहाँ, और गल गया विघलित हो गया निशेष, कुछ भी शेष नहीं रहा पूरी तरह समाप्त। अंकुर नन्ना पौधा नवांकुर पल्ला पत्ता पुष्प फूल कुसुम नमित झुकना की कविता छोटा मेरा खेत से अवतरित है। इसके रचयिता लोकप्रिय गुजराती कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। इस यह कविता मूल रूप से सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई, हिंदी में इसका रूपांतरण रघुवीर चौधरी जी ने किया है। प्रसारण प्रस्तुत ग्रंथियों में कवि ने खेत के रूपक में कवि कर्म को कृषि कर्म के समान बताया है। व्याख्या कवि कहता है कि मैं एक प्रकार से किसान ही हूँ, कागज का एक छोटा पन्ना मेरे खेत के जैसा है। जिस प्रकार कोई किसान अपने खेत में बीज बोता है उसी प्रकार मैं भी अपने कागज रूपी खेत पर कविता उगाकर सृजन करता हूँ। जिस प्रकार किसी खेत पर आंधी होकर आया कोई बीज जमीन के गर्भ में अपना स्थान ले लेता है, उसी प्रकार मेरे कागज रूपी खेत में भावना रूपी आंधी होकर आया विचार रूपी कोई भी शब्द बद्ध होता है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज को खाद पानी देता है, मैं भी उसी प्रकार विचार रूपी बीज को कल्पना रूपी खाद देता हूँ। इससे विचार एवं व्यक्ति रूपी बीज स्वयं तो विगलित हो जाता है, किंतु उसके समाप्त होते होते शब्द रूपी नवांकुर फूट पड़ते हैं। जैसे नवांकुर पौधे पर धीरे धीरे पत्ते फूल आते हैं और फिर वह पूर्णता को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार रचना रूपी नवांकुर छंद रूपी पत्ते फूल विकसित होते हैं, जिससे अंत में एक संपूर्ण साहित्य कृति का निर्माण होता है। कवि कहता है कि जिस प्रकार भरा पूरा पौधा पृथ्वी की ओर झुकने लगता है, उसी प्रकार एक नई काव्य रचना अपनी विशेषता के साथ पाठकों एवं काव्य प्रेमियों के रसास्वादन के लिए तैयार रहती है। कवि ने काव्य सृजन को कृषि कार्य के समान बताया है। उन्नत काव्य रचना के लिए विचार रूपी बीज में कल्पना रूपी खाद की आवश्यकता बताई है। कल्पना रूपी रसायन एवं शब्द के अंकुर में रूप अलंकार है। कवि ने कृषि कार्य की तुलना कविता से अत्यंत सूक्ष्म ढंग से की है। पल्लव पुष्प गलियां बोया गया इत्यादि अनुप्रास अलंकार की जटा है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली मुक्तक छंद है। बिंब योजना अत्यंत सरल एवं साफ है। झूमने लगे फल रस आलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छड़की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षर पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। आलौकिक अद्भुत दिव्य अमृत धाराएं रस रूपी अमृत की धाराएं, रोपाई बीज का बोया जाना, रोपा जाना, कटाई फसल को काटना, अनंतता यानी सदैव के लिए अनंत काल तक, अक्षय कभी समाप्त अथवा रिक्त न होना, पात्र बर्तन या भंडार। शब्द संदर्भ पूर्वक है। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि उमाशंकर जोशी जी ने काव्य सृजन को कृषि कर्म के समान बताते हुए उत्कृष्ट साहित्य रचना के आनंद रस को अक्षय बताया है। व्याख्या कवि कहता है कि जब चौकोर पल्ले रूपी खेत के काव्य कृति रूपी वृक्ष पर कविता रूपी दिव्य रस वाले फल झूमने लगते हैं, तो उनमें से आनंद की असंख्य रस धाराएं निकलने लगती है। सभी रस धाराएं पल में होने वाली उसी रोपाई का ही अंतिम परिणाम है, जिसे शब्द रूपी बीज के रूप में बोया गया, परंतु यह रस धारा चिरकाल तक चलता है, पर साहित्यिक फसल कभी भी कम अथवा समाप्त नहीं होती, चाहे इसे कितनी भी बार क्यों ना काटा जाए। कवि का मानना है उत्तम साहित्यिक काल नहीं होता है, उसका रसपान असंख्य काव्य प्रेमी एवं रसिक पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ पढ़कर अनंत काल तक लिया जा सकता है। अभिप्राय यह है कि एक उत्कृष्ट काव्य कृति को कई पीढ़ियां युगो युगों तक पढ़ती सुनती है और उसके सारूपी रस से लाभान्वित होती है। रामचरितमानस एवं गीता इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। कवि आगे कहते हैं किसान के खेत में
उपजे खाद्यान्न की फसल एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाती है। इस प्रकार किंतु काक रस कभी भी समाप्त नहीं होता, काक प्रति रूपी इसका पाक सदा दिव्य रस से भरा रहता। कभी कहता है कि चौकोर कागज रूपी पन्ना ही मेरी कविताओं की उर्वरक भूमि है। तो काव्य सौंदर्य कवि कर्म का सुंदर सजीव सूक्ष्म वर्णन है। उत्तम साहित्य रस को अक्षर बताया गया था जो कभी समाप्त नहीं होता। उत्तम कविता शाश्वत है, कालदेह छोटा मेरा है, चौकुना में रूपा अलंकार है, रस शब्द को अर्थ फल का रस एवं काव्य प्रति रस उपयुक्त हुआ है। अतः शेष अंक अष्टक है, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है, मुक्तक छंद है, बिंब योजना अत्यंत सटीक व सार्थक है। फिर है यहाँ पर बगलों के पंख। नव में पाती बांधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नव छाया, दैती सांझ की सजे सतेज श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नव में पाती बंधी बगलों की पाखें। शब्दार्थ नव आसमान गगन आकाश, पाती बांधे पंती भक्त, कजरारे काजल जैसे श्याम वर्ण वाले काले काले, सांझ संध्या शाम सायकाल, सतेज तेज सहित आभायुक्त चमकीले, श्वेत सफेद काया शरीर तन, हौले हौले धीरे धीरे, निज अपनी माया आकर्षण जादू तिलिस्म प्रभाव, तनिक थोड़ा रखो रखो पाके पंख। संदर्भ प्रस्तुत कविताएं शमानी पाठ पुस्तक आरोह की कविता बगलों के पंख से उद्धृत है। इसके रचयिता गुजराती भाषा के सुविख्यात कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। मूल रूप से यह कविता गुजराती भाषा में लिखी गई है, हिंदी में इसका रूपांतरण भोला भाई पटेल ने किया है। इस प्रकार ये जो कविता है वो किनके द्वारा है, बगलों के पंख जो लिखी गई है वह जो कविता है उमा शंकर जोशी जी, जो कि गुजराती भाषा के एक विख्यात कवि हैं। और यह कविता गुजराती भाषा में तो लिखी ही गई है, साथ ही हिंदी में भी इसका जो है रूपांतरण जो है ना भोला भाई पटेल ने किया है। चलिए हम इसके आगे इसे उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए बगलों के पंख। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने आकाश में उड़ते पक्षियों के माध्यम से प्रकृति अनुपम और सुंदर का चित्रात्मक वर्णन किया है। व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है, कैसी आनंद आसमान में अपने सफेद पंख फैलाए बगले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, इस नया ही राम दृश्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जड़गत हो गया। ऐसा लगता है किसी ने मेरी दृष्टि पर इस प्रकार प्रभाव डाला है कि मैं चाहते हुए भी उन बगलों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। इस दृश्य ने मेरी दृष्टि मतलब जो है चुरा ली है। प्रकृति कवि प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का सजीव चित्रण करते हुए आगे कहते हैं कि आसमान में काले काले बादलों की पृष्ठभूमि पंक्तिबद्ध होकर उड़ते हैं, श्वेत बगलों को देखकर ऐसा लगता मानो आकाश में संध्या की चमकीली सफेद काया तय रही। प्रकृति का यह अद्वितीय दृश्य धीरे धीरे मुझे अपने प्रभाव में ले रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दृश्य के सम्मोहन में बनता जा रहा हूँ। कभी अपने तट पर कोई उस माया को थोड़ा सा रोक ले, ये पंक्तिबद्ध उड़ते श्वेत बगले तो मेरी दृष्टि को चुरा ले जा रहे हैं, अर्थात आकाश में उड़ते उन सफेद पंक्तिगत बगलों के पंख का सौंदर्य मुझे अपनी माया जाल में आबद्ध कर रहा। काव्य सौंदर्य काले काले बादलों की पृष्ठभूमि में सफेद पंक्तिगत दूर पर उड़ते बगलों के सौंदर्य का सजीव वर्णन किया गया है। आंखें चुराना मुहावरा व सटीक प्रयोग है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया, मानवीय अलंकार दृष्टव्य है। हौले हौले में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और कोमल कांत पदावली। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बगलों के पंख पद्यांश को पढ़ाया और समझाया। आप इसको कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से लिख करके परीक्षा के लिए याद करेंगे। धन्यवाद।